मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन मेरा आज सवाल ये है कि क्या आप लोग तैयार हैं, जिनकी पांचे उंगलियां घी में हैं, जो इख्तदार के मजे ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतने ज्यादा कौम ना सड़कों पर निकले? लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना छुपते फिरेंगे आप? ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रहे हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है। लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है।